साई सरकार की हुकूमत में तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। कोट डीजी के नवाही गांव गौस बख्श जामड़ो के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल समेत तहसील भर के मुतादिद स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम और इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं। इसी पर देखिए गुलामुल्ला सियाल की रिपोर्ट। सिंध में तालीमी इमरजेंसी के वादे वफा न हो सके। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गौस बख्श जामड़ो में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, स्कूल की इमारत जबू हाली का शिकार, कौम का मुस्तकबिल जमीन पर तालीम हासिल करने पर मजबूर, इमारत खस्ता हाल होने के बाइस बच्चे स्कूल आने से डरने लगे। हमारे बच्चों दूर दराज जाने पर मजबूर है। यहाँ पर तालीम का निजाम कम है, स्कूल है, स्कूल का बिल्डिंग जबून हो गया है। हमारा मुतालबा है वजीर तालीम से, बराए मेहरबानी हमारा तालीम का निजाम बहाल किया जाए। इलाका मकीनों के मुताबिक तहसील भर के सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिन्हें ताले लगे हैं। शहरियों ने वजीर आला सिंध और वजीर तालीम से मुतालबा किया है बंद तालीमी इदारों की मरम्मत कराई जाए ताकि बच्चे बेखौफ होकर तालीम जारी रख सकें। कैमरामैन सनाउल्लाह सयाल के साथ गुलामुल्लाह सयाल, न्यू न्यूज़, कोट डीजी।